देसी सप्लीमेंट आ रखा है, ठीक है, जिम में कैसे देसी सप्लीमेंट के साथ अपनी बॉडी बनाए वो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, हमारा आज का ब्लॉग सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है। मैंने उठ के हाथ मुँह धोना, ब्रश वगैरह पेस्ट जो भी करना था सब कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। देख रहे हो हमारे सिंगर को, आपको जस्ट इसकी सिंगिंग दिखाई थी मैंने, अगर नहीं दिखाई है तो उसके बाद जस्ट दिखा दूंगा। भैया जी हमारे अब उठ रहे हैं, 8 बज गया है। भाई साहब नाश्ता करने चल रहे हो? चलेंगे तो ठीक ठीक ये जरा अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना गला सुधार रहे थे सा करके, तो इनको भी करने देते हैं। और मैं या तो सबको गया अपनी पानी की बोतल और चाय का कप उठा करके चलते बनते हैं नाश्ता करने के लिए, और फिर आपको दिखाते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनाया। तो भैया हम नाश्ता करने जा रहे थे, भैया दिख गए हमको कपड़े धोते हुए। हैं क्या करें बताओ, जैसे सब करेंगे मैं भी कर लूँगा। और लोग क्या कर रहे हैं? मेरा तो वैसे भी हैंड कर मैं 90% में चल रहा हूँ, अटेंडेंस मुझे कोई दिक्कत नहीं है छुट्टी मारने में। नहा लिया क्या तूने? अरे ठीक ठीक, अरे बॉडी वॉडी तो दिखा हैंकर हमारे उनको यार, दिखा दिखा ये शाम को मैं जिम करने के बाद। अबे नहीं पंप अप वाली नहीं, ये खास नहीं है यार अभी पर। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, चाय और वही सड़ा सा सॉस। गाइस अब कुछ चीज दिखाता हूँ, गाय है मैं इसके अंदर, मेरे को भी कुछ दे दो खाने के लिए। बस मैच में नाश्ता करके रूम पे आते टाइम देखा कि भाई मैच में तो गाय आ रही है, फिर उसको थोड़ा रोटी वगैरह खिलाई, मतलब जो भी बना था मैच में उसमें। सो उसके बाद फिर रूम पे आया, आराम से अपना नहा धोया और फिर मैं हुआ कॉलेज को तैयार। वैसे अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है सो कॉलेज का तो ऐसा कुछ है नहीं, बस अटेंडेंस भी मेरी पूरी है, अप्रोक्स 90 के अप्रोक्स थी। सो लास्ट टाइम एग्ज़ाम टाइम है, सो मैंने सोचा कि चले जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा लास्ट टाइम पे, तो इसलिए कॉलेज जाना हो रहा है। और वैसे भी लास्ट वर्किंग डे था कॉलेज का, मतलब इसके बाद कॉलेज क्लास लेने के लिए नहीं गई फिर हम लोग। सो गाइज मैं तो नहा धो के पूरा तैयार हूँ, देन क्योंकि रवि भी नहाने गया है, नहा के आया नहीं है तो नहा के आता है फिर तैयार होता है वो, फिर उसके बाद चल 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 हल्ला गुल्ला करके ले जाता हूँ कॉलेज को। और अभी तो वैसे भी टाइम पौने क्या हो गया, टाइम कितना, 9:40 टाइम हो गया, अभी तक का आया नहीं, जरा जाते हैं ढूंढ के लाते हैं भाई, 10 बजे क्लास भी है करके, तो अभी कॉलेज के तरह मिलते हैं आपको, या उससे पहले ही रवि मेरे को दिखता है तो दिखाता हूँ क्या कर रहा है अभी। ये रहा बंदा, ये रहा बंदा है। 9:40 हो गया, कॉलेज नहीं आना तूने? कॉलेज यार अभी चल गया, 9:40 हो गया, करीब 10 बजे का आ रहा है मैसेज। फाइनली काफ़ी सुनाने के बाद 9:52 में जा रहे हैं, और आई होप देर तो नहीं होगी क्योंकि आप दौड़ के जाएंगे, मतलब तेज जाएंगे, इतना लेट नहीं होगा, पर इसको बोलना पड़ता है यार। एक तो बंदा नहाता हफ्ते में एक दिन है, उसमें भी नहाने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लेता है, क्या कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली कॉलेज को निकल गए हैं और अभी मतलब कॉलेज कैंपस में आ गए हैं, और अभी धूप तो ज़्यादा तेज लग नहीं रही है, या तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि हवा भी चली है थोड़ा, और बाकी जो आपको ये धुआं सा दिख रहा है, धुंध सी दिख रही है लाइक अ फॉग, ये और कुछ नहीं, ये है धुआं जो मतलब यहाँ आसपास के जंगल है, जंगलों में लगी है आग। अभी दिन में तो दिखती नहीं है, रात को जब अंधेरा होता है देन उसमें काफ़ी दूर से दिखाई देती है, तो ये उस पूरा आग का धुआं है। कि कौन कहता है कि भाई पहाड़ों में पॉल्यूशन नहीं होता है, यहाँ भी पॉल्यूशन होता है बट उस लेवल का नहीं होता है जो सिटी में होता है, बट ये भी तो पॉल्यूशन है ही धुआं। तो पहले क्लास जाते हैं, क्लास लेते हैं,
फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। टैलेंटेड बॉय आदित्य दिन में सो गाइस लंच से पहले की क्लासेस ओवर, अभी हॉस्टल जा रहे हैं, लंच करते हैं, फिर वही दिल्ली की तरह सोना रेस्ट वेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद शाम को जाना है मार्केट, ये जरा बाल वगैरह बड़े हो गए, बाल बाल कटेंगे, तो फिर मिलते हैं आपको शाम को मार्केट आते टाइम। सो गाइस जैसे मैंने बताया था कि मार्केट जाएंगे, हुआ ऐसा कॉलेज से आया, लंच किया, मैं सो गया, मैंने कहा थोड़ी देर उठूंगा और उठाई मैं 6 बजे हूँ, फिर उसके बाद घूमने से ले गए थे कि घूम के अभी आ रहा हूँ, तो अब पहले डिनर करते हैं फिर रूम पे जाके फिर सो जाऊँगा। और रवि गया था तुम्हारे साथ? रवि नहीं तुम्हारे साथ गया था, वो कहाँ था, वो कमरे में था ही नहीं, किसके साथ? कसम से यार, मेरे से बोला था साथ में चलेंगे बाल कटेंगे, और सुन तो और मेरे को उठाई भी नहीं चले गया, और मेरे से बोला कि साथ जाएंगे बाल कटाने, उसका हेयर कट दिखा देने मुझे, ये देख बैठे हैं, ये देख हेयर कट देख रही है भाई, ये वही धोखेबाज आदमी है जो मेरे से बोल रहा था कि भाई साथ में जाएंगे, यहाँ को देखना, यहाँ जो साथ में जाएंगे बोल रहा था, और साला खुद जाके आ गया। गाइस डिनर हो गया और अब करते हैं इस ब्लॉग को ही एंड, और आपको मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय, गुड नाइट, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड करवाना ना भूलें, थैंक यू।